हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये आपके झारखंड जेई, एसएससी जेई, यूपी जेई इत्यादि के एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के कम्प्लीट लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और इसके साथ साथ जूनियर इंजीनियर सिविल से संबंधित जितने भी लेटेस्ट जॉब के अपडेट आते हैं वो सभी आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं। इस वीडियो में हमने जनरल साइंस के जितने भी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो ही कवर किए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 केल्विन। क्वेश्चन नंबर दो है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, पारा, पानी, चमड़ा या फिर बेंजीन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, पारा। पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, एक हीटर का तार किस चीज़ का बना होता है। हीटर में जो तार यूज होता है पूछा है वो किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने, जॉन एडम्स ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर गैलीलियो ने। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, यांत्रिक शक्ति की SI यूनिट क्या है। तो जो भी यांत्रिक शक्ति होती है उसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। तो एक किलोग्राम जो राशि होती है उसका वजन होता है 9.8 न्यूटन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शंस आपको दिए हैं, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चेकविड ने या फिर न्यूटन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज की किसने, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, चेकविड ने। क्वेश्चन नंबर एट है और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो संग्रहित किया जाता है लीवर में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। आपको कुछ यहाँ पर रंग दिए हैं और पूछा है इनमें कौन सा रंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है, बैंगनी रंग, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर पीला प्रकाश। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, आपका जो बैंगनी प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। तो दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, यूकेलिप्टिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव पुरुष में जो है सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो ये आपका RBC होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पेट, यकृत यानी लीवर, थायराइड या फिर अग्नाशय। तो मानव शरीर का दिए गए ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा अंग है वो है यकृत।
ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस जो होती है वो है हीलियम। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ओस्मियम, गैलियम, लिथियम या फिर पारा यानी मरकरी। तो आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसका सबसे हल्का एलिमेंट है लिथियम। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल में भी पूछा जाता है कि आपका जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसकी यूनिट क्या है, डेसीबल, डेसीमल, पीपीएम या फिर सेंटीमीटर। तो आपका जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है उसकी यूनिट है डेसीबल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भोजन की ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं? ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। भोजन की जो ऊर्जा होती है उसे मापते हैं कैलोरी में। अगला क्वेश्चन है, किस संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया? यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, फार्मिक एसिड को, यूरिया को, एसिटिक एसिड को या फिर मीथेन को। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। सबसे पहले किसे बनाया गया प्रयोगशाला में? यूरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्स गैस के रूप में जो आपकी मीथेन गैस होती है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों का जो अध्ययन होता है उसे पोमोलॉजी कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं या फिर फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो फसलों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं पोमोलॉजी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुए को। क्वेश्चन नंबर 23 है, अग्निशमन यंत्र में निम्न में से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? तो जो भी आपके अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडलीय परत में कहाँ पाई जाती है? स्थल मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या फिर जैव मंडल में। तो ओजोन परत जो है ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर फ्रांस में। तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण जो है ये किया गया दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने झारखंड जेई के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।